हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेंसन। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे सिनेरियो के बारे में शेयर करूंगा इन्फॉर्मेशन जो मैंने बहुत बार बाज़ार में देखा है, और बाज़ार में देखने के बाद मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया है, नोट कर लिया है। अब अगला सिनेरियो, यहाँ अभी तक तो मेरी टेस्टिंग चल रही थी और मैंने इसमें जो पॉइंट नोट करने थे वो नोट कर लिए हैं। अब ये सिनेरियो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में डालेगा। सिनेरियो की शर्त ये है कि सबसे पहले तो ये एक्सपायरी के दिन आता है। ओके, ये एक्सपायरी जो होगी उस एक्सपायरी के दिन आता है। ये सिनेरियो क्रिएट कैसे होता है, इसका आगाज़ कैसे होता है या फिर सेटिंग कैसे होती है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये बाज़ार है। ओके, अब बाज़ार में क्या होता है कि ये बॉटम है, ये बॉटम है। अब बाज़ार ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर एक्सपायरी आ गई यहाँ पर। वीकली एक्सपायरी हो या फिर मंथली एक्सपायरी हो, जो भी एक्सपायरी हो, ये एक्सपायरी आ गई यहाँ पर। फिर बाज़ार यहाँ पर हो गया, ये ख़त्म हो गया, जो भी ऊपर नीचे किया। फिर बाज़ार जा रहा है ऊपर नीचे करते करते जा रहा है, फिर एक टॉप बना दिया, फिर एक एक्सपायरी आती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट बुकिंग आएगी और बाज़ार गिरेगा, क्योंकि ये एक नंबर की एक्सपायरी है, यहाँ से भी बाज़ार ऊपर चला गया। ये दो नंबर की एक्सपायरी है, यहाँ से भी ऊपर चला गया। ठीक है, फिर एक्सपायरी आती है, फिर बाज़ार ऊपर ही जाता है। मतलब बाज़ार अगर अप डायरेक्शन में है तो वो ज़रूरी नहीं है वो गिरता उठता ऊपर जाता है और ये टॉप बनता है। अब हम सोचते हैं ये जो सिनेरियो क्रिएट होता है इसमें शर्तें होनी चाहिए। सबसे पहले शर्त जो है वो किसी एक्सपायरी डे का सिनेरियो से ये शुरू होता है, ये होना चाहिए। दूसरा ये है कि बाज़ार अपने टॉप पर होना चाहिए। ठीक है, तीसरी शर्त यह है कि बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग का अंदाज़ा होना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग का अंदाज़ा होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर ये एक नंबर की एक्सपायरी थी, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, यहाँ पर भी नहीं आई, और यहाँ पर एक टॉप बन गया, यहाँ पर आ सकती है। अभी हम लाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल देना है तो लाएंगे। हालांकि ये पिछले 1.5-2 महीने से ऊपर ही आ रहा है, तो इसमें बहुत सारी एक्सपायरी आई होगी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी आई होगी छोटी मोटी, लेकिन एक बल्क प्रॉफिट बुकिंग जो जैसे कि इस सिनेरियो में आई, वैसे वाली हम बात करें। तीसरा क्या होना चाहिए फिर प्रॉफिट बुकिंग आने के लिए, उस ख़राब न्यूज़ होनी चाहिए ना, न्यूज़ ख़राब होनी चाहिए ना, तभी तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, नहीं तो बाज़ार तो ऊपर चलते रहता है, थोड़ी रुकेगा वो। देखिए ना, यहाँ से नीचे से आया है, पता नहीं कहाँ से आया होगा ये, नीचे से 21,900 से। अभी देखिए 22,000, ये टॉप का कितना बनाया था, 22,300। हालांकि बाज़ार इससे भी ऊपर से नीचे आया है, 22,600-700, 23,000 के आसपास शायद गया था, तो वहाँ से नीचे आया है। लेकिन एक मोटे मोटे तौर पर बाज़ार में जब ये सीन क्रिएट होता है तो उसके पहले जो बैक स्टेज में जो सेटिंग होती है वो है एक्सपायरी होनी चाहिए उस दिन। बाज़ार थोड़ा सा टॉप में ना भी हो तो होना तो चाहिए ऊपर, टॉप से ही, टॉप के पास ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो है 22,300 ये बाज़ार का टॉप नहीं है। हालांकि 22,000 मेरे ख्याल से 23,000 के आसपास था बाज़ार, वहाँ से गिरते गिरते आया है हल्का मुल्का, फिर भी एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट बुकिंग का सीनारियो बना दिया है। यहाँ पर एक न्यूज़ थी ख़राब कि भाई ईरान और इसराइल की लड़ाई चल रही है बोल के, तो उसके कारण बाज़ार में, हालांकि बाज़ार को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग का बहाना होता है वो, बहुत बार देखा मैंने, तो वो न्यूज़ होनी चाहिए ख़राब। ये तीन चार चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद सेटिंग देखिए कैसे होती है बाज़ार में। बाज़ार में सेटिंग क्या होती है, जैसे कि अब इसमें 2 दिन का सिनेरियो चलता है। ये पहले दिन में, फर्स्ट डे में क्या होता है, ये फर्स्ट फर्स्ट डे है। ठीक है, फर्स्ट डे में क्या होना चाहिए, बाज़ार एक्सपायरी का दिन होना चाहिए। नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, मैं मतलब बता रहा हूँ एक्सपायरी के दिन ही होता है प्रॉफिट बुकिंग। ऐसे 2 ही दिन प्रॉफिट बुकिंग आती है, या तो फिर एक्सपायरी के दिन आती है, नहीं तो फिर उस दिन आती है जिस दिन बहुत ही ख़राब न्यूज़ है, उस दिन प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो या फिर मैंने इसे ऑप्शन ऐसे करके लिखता हूँ ना, प्रॉफिट बुकिंग वाला दिन या फिर एक्सपायरी का दिन, जो भी दिन हो ये होना चाहिए बाज़ार में। उससे ऊपर, जहाँ से बाज़ार ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, उससे ऊपर जाना चाहिए दिन के दौरान। ये गया ऊपर, ये दिन के दौरान ऊपर चला गया, ऊपर जाना चाहिए जितना भी जाए। हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, 200 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, और ऊपर जाना चाहिए, और उसके बाद ये तकरीबन 11, यहाँ पर भी देखिए 10.5 या फिर 12.5 के बीच में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे नीचे तो ये तकरीबन टॉप बनाता है 10.5-12 के बीच में ना, 12.5-1 बजे के बीच में ये टॉप बना ही लेता है ज़्यादातर। ठीक है, ये इसका बॉटम है। बहुत अच्छी तरह से मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी ना, ज़रूर भाई साहब इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि
मैं वही चीज़ें डालता हूँ जो मेरे साथ बाज़ार में होती है, ऐसी जो चीज़ मतलब अनुमानित मैं नहीं डालता हूँ, मेरे साथ मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है बाज़ार को वो ही चीज़ मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर तकरीबन बाज़ार के मध्यान्ह में यानी कि मिड टाइम में ये एक टॉप बना देता है, एक टॉप बना देता है, इसको अभी गिरना है ना, ये टॉप बना देता है। ये टॉप बनाने के बाद अब क्या है कि ये कंसोलिडेशन जोन में चला गया, यहाँ पर तकरीबन 1.5-2 घंटे कंसोलिडेशन में गया है टॉप में जाने के बाद में। अब क्या करेगा ये, एकदम से इसमें क्या होता है, अचानक से गिरावट आ जाती है, प्रॉफिट बुकिंग की गिरावट आ जाती है। देखिए यहाँ पर ये गिरावट आ गई, जितना पॉइंट है ऊपर गया था उतना पॉइंट ये नीचे आ गया है, 200 पॉइंट प्लस हुआ था, 200 पॉइंट नीचे आया, ये अपने बॉटम अपने ओपनिंग के पास आ गया है, ओपनिंग के पास आ गया है, ओपनिंग के पास आ गया है। अब क्या है कि यहाँ पर अगर आप नीचे कहीं देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये मैंने देखी यहाँ पर लाइन खींची है ना, यहाँ पर कहीं देखने की वैसे ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन ये गिरेगा, एक्सपायरी है ना तो गिरने दीजिए इसको, और इसमें जिस जैसा भी आप ट्रेड लेंगे, इस दिन कुछ नहीं करना है, इस दिन मैंने कुछ नहीं किया था, और ये जितना ऊपर और गया था उतना तो इसने अपना वो कर लिया है, प्लस माइनस एक साथ कर लिया है, मतलब जितना ओपन हुआ अब ये क्या हुआ है, जीरो हो गया है, जितना ऊपर गया था उतना नीचे आ गया। लेकिन लास्ट लास्ट में क्या होता है, वो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है ना कहीं बड़ा बड़ा रहता है, कहीं ना किसी स्ट्राइक प्राइस पे जहाँ पर जाके रुकेगा, ओपन इंटरेस्ट बड़ा रहता है कॉल साइड में, ये पुट साइड है ये कॉल साइड है, तो ये गिरता रहेगा गिरता रहेगा। इस कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट जहाँ पर बढ़ रहा है ना नीचे, तो ये 200 पॉइंट नीचे आएगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये 100 पॉइंट पर जाके भी टॉप बना सकता है, 300 जाके भी टॉप बना सकता है, 400 जाके भी टॉप बना सकता है। एग्जांपल के लिए मैंने जो देखा है वो 200 पॉइंट का देखा है, इसलिए 200 पॉइंट ऊपर गया फिर नीचे आया, और फिर बाज़ार क्लोज होते होते 200 पॉइंट तो माइनस ही चला गया, मतलब इसने ट्रैवल कितना किया, तकरीबन 600 पॉइंट, एक दिन में 600 पॉइंट का ट्रैवल इसने किया है, मतलब पहले 200 पॉइंट ऊपर गया फिर नीचे आया और फिर और 200 पॉइंट नीचे चला गया, तो ये 600 का ट्रैवल इसने किया है। 600 के ट्रैवल में अगर कोई तेज तर्रार अगर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले होंगे ना तो कितना प्रॉफिट बनाएंगे। मैंने गलती से ये हट गया है मेरे से, अब मैं जो लिख रहा हूँ वो पहले जैसा होगा कि नहीं पता नहीं, फर्स्ट डे में होना चाहिए कि भाई बाज़ार में एक्सपायरी का दिन हो, चलो अपना रिविजन तो हो जाएगा इस बहाने, उसके बाद में या फिर बाज़ार में क्या हो, प्रॉफिट बुकिंग हो, प्रॉफिट बुकिंग हो, बाज़ार ऊपर चला जाए 200 पॉइंट प्लस, फिर रेंज बाउंड आएगा, फिर ये टॉप बनेगा, टॉप बनने के बाद बाज़ार प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस मतलब क्या है, जितना ऊपर गया था उतना वापस से नीचे आ गया, ये उसका बॉटम था, ये बॉटम है, ये अपना बॉटम है, और उसके बाद उससे भी नीचे 200 पॉइंट आ गया, आ गया, ये माइनस करेंगे हम, ठीक है, 200 पॉइंट आ गया, उसके बाद ये किसी लेवल पे आके जैसे कि मैंने ये मार्क किया था, यहाँ आता तो मैं बाय कर लेता, लेकिन ये उससे पहले रिटर्न कर दिया तो मैंने यहाँ पर बाय नहीं किया, हालांकि मैंने यहाँ पर प्रॉफिट अच्छा बनाया था एक्सपायरी के दिन, तो ये हो गया। अब ये पहले दिन का सिनेरियो है, पहले दिन के सिनेरियो में इसने क्या किया, जितना पॉइंट ऊपर गया उतना नीचे आया और फिर नीचे चला गया, यहाँ पर ये कॉल साइड है और ये है पुट साइड में, इसमें पुट साइड में ध्यान नहीं देना होता है, कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है कहीं किसी स्ट्राइक प्राइस पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो उसी के पास आता है, ये आपको दिन दिन के दौरान भी पता चलेगा, ठीक है, पहले दिन के दौरान भी आपको पता चलेगा, अगर ये टॉप में है और यहाँ पर कहीं नीचे स्ट्राइक प्राइस में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है कॉल साइड में लगातार बढ़ रहा है, तो वो क्या मतलब एबनॉर्मल बढ़ता है, ऐसे नहीं है नॉर्मली इसका भी बढ़ रहा है इसका भी बढ़ रहा है, ये तो हर रोज हर सेकंड में चलते रहता है, एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जो आपको समझ में आती है अगर ऑप्शन चेन आप रीड करते हैं तो एबनॉर्मली वो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वो ऑटोमेटिकली फोकस में आ जाता है अगर आप पढ़ रहे हैं ऑप्शन चेन तो आपको दिखता है कि हाँ उसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बाजार वहां तक जा सकता है। मतलब मेरे नज़र में क्या है, जैसे बाजार ओपन होता है ना तो मैंने देखा कि बाजार ओपन होते ही ये तो अभी अगले अगले सेकंड डे में बताऊंगा, बाजार ओपन होते ही क्या होता है कि जहां से बॉटम बनता है ना, बॉटम बनता है, ये मान लो ये है ऑप्शन चेन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये है ये ऑप्शन चेन है, और ऑप्शन चेन में क्या है, यहाँ पर सपोर्ट है और इस साइड में रेजिस्टेंस है, ओके, ये रेजिस्टेंस है। अब बाजार यहाँ पर ओपन हुआ अगले दिन जिस दिन रिकवरी आनी है उस दिन, और ओपन होने के बाद में ये रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस मतलब टॉप है, बाजार की डायरेक्शन ये है, ये डाउन है
ये डाउन है और ये अप है। तो बाजार यहाँ से ओपन होता है तो यहाँ स्ट्रांग सपोर्ट, सपोर्ट कितना कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है। उस दिन की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड डे की। सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है और उसके बाद में ये रेजिस्टेंस जो है ना, इस रेजिस्टेंस में जहाँ तक बाजार जाने की उम्मीद है, उस रेजिस्टेंस को पहले ही बाजार इंडिकेट कर देता है कि हाँ मतलब या तो वीक टुवर्ड्स बॉटम, वीक टुवर्ड्स टॉप करेगा, WTT करेगा उस प्राइस तक, या फिर स्ट्रांग करेगा, कुछ दोनों में से एक चीज़ करेगा। तो उस स्ट्राइक प्राइस को नोट करके रखता हूँ मैं कि हाँ वो ये स्ट्राइक प्राइस तक बाजार आने की उम्मीद है, और आ भी जाता है, नहीं भी आएगा ना तो उस स्ट्राइक प्राइस का जो ओपन इंटरेस्ट है ना भाई साहब, वो एबनॉर्मली बढ़ता है, एबनॉर्मली एकदम फोकस में आ जाता है। तो और उसकी जो प्राइस है, अब बाजार नीचे गिर रहा है, सेकंड डे में जो है बाजार ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियसली वो कॉल होगा, है ना, ऑब्वियसली वो कॉल होगा। तो उसकी प्राइस एकदम न्यूनतम रहती है, 30 रुपये, 20 रुपये ऐसे रहती है, ठीक है, 10 रुपये इस तरह की रहती है उसकी प्राइस। तो वो मतलब इतनी निग्लिजिबल प्राइस रहती है, वाजबी जिसको बोलते हैं, बहुत ही कम रहती है। इसके ऊपर किसी की नज़र ही नहीं जाएगी यार, है बाजार में ऑप्शन की जो प्राइस है कॉल पुट की 200 300 ऐसे चल रही है, और एट द मनी की 10 रुपये का कौन खरीदेगा, है ना। लेकिन इसका जो ओपन इंटरेस्ट है ना वो बढ़ रहा है तेज़ी से, तो ये मेरे को फोकस में डालता है। और इसमें दूसरे दिन मैं बताऊंगा अभी आपको, ये तो हो गया पहला दिन, मैं मिटा देता हूँ इसको अभी। अब आता है सेकंड डे। अब सेकंड डे में क्या होता है, सेकंड डे में होता क्या है कि जितना बाजार गया उतना नीचे आया, और उससे भी अब नीचे आ गया। अब आता है सेकंड डे, ये देखिए यहाँ पर ये सेकंड डे है, ये फर्स्ट है और ये है सेकंड डे। सेकंड डे है एक्सपायरी के बाद का दिन, ये 18 तारीख का अगर आपको देखना है तो ये देखिए 18-4 का, 18-4-24 का चार्ट है। देखिए वीडियो लंबी हो सकती है, देखना ज़रूरी है, मैं सिर्फ आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि आप लोग देखेंगे, व्यूवर्स देखेंगे और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यू बढ़ेंगे, उसके लिए भी नहीं बना रहा हूँ मैं। सबसे बड़ा मेन मकसद है मेरा, मैं अपने लिए, क्योंकि मैं नोट्स बनाता था पहले ना, अब नोट्स बनाने के लिए बनाते 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 मेरे पास इतने रजिस्टर हो गए हैं, अब मैं किस रजिस्टर को पढ़ूँ ये भी नहीं समझ में आ रहा है। फिर मैंने क्या किया कि एक तरीका ढूंढा, मैंने कहा मैं, हम लोग व्हाट्सएप वगैरह सब देखते हैं ना सोने के टाइम पे, या फिर जागने के बाद में, है ना, सोने से पहले देखते रहते हैं, तो हम आधा एक घंटा उसमें वेस्ट हो जाता है हमारा, है ना। तो मैंने वो जो शॉर्ट्स वीडियोस सबसे प्यारे जो है वो है शॉर्ट्स वीडियो ना, तो शॉर्ट्स वीडियो हम लोग देखते रहते हैं। तो मैंने सोचा यार ये शॉर्ट वीडियो देख के टाइम बर्बाद करने से क्या है, तो मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा जिसके बारे में मैं नोट्स में लिखता था और बाद में कभी उन नोट्स को नहीं पढ़ता था, तो मैं उससे जगह मैं वीडियो ही बना लेता हूँ ना। तो वीडियो बनाऊंगा तो फिर कभी जब मैं डेली, अब सोते हैं हम डेली उठते हैं तो आधा आधा घंटा डेली मिलता है सोने से पहले और जागने के बाद, उठने के बाद, तो उस आधे घंटे के मैं एक वीडियो देख लूँगा तो मेरा अपने आप ही रिफ्रेश हो जाएगा ना। तो ये अपने लिए भी मैं बना लेता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि दर्शकों के लिए, लेकिन ये है मेरा एक्सपीरियंस तो है ही, मैंने अपने लिए तो बनाया, लेकिन आपको भी इस सिनेरियो के बारे में पता चलेगा ना, तो देखने से आपका फ़ायदा ही है। इसलिए वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही डालता हूँ, मैं फालतू चीज़ें नहीं डालता हूँ, मैं वही चीज़ें डालता हूँ जो मैंने रियलाइज़ की है मार्केट में, मैं अनुमानित कोई भी चीज़ नहीं डालता हूँ। तो दिन आया दूसरा, अब दूसरे दिन में भी देखिए यहाँ पर क्लोजिंग हुआ था ये पहले दिन में, अब दूसरे दिन में भी ये गैप डाउन ओपन होना चाहिए। दूसरे दिन में जितना गिरा यहाँ पर 200 गया, 200 प्लस गया, ओके फिर ये 200 प्लस माइनस हो गया, मतलब बराबर हो गया, फिर अगले दिन उसी दिन ये 200 गिरा, इसने 600 पॉइंट का ट्रैवल किया उस दिन। अब अगले दिन ये फिर 200 पॉइंट गिरेगा, अब ये किस लिए गिरेगा, अब इसको रिकवरी करना है, 200 पॉइंट गिरेगा ज़रूर, अब इसको रिकवरी करना है। अब क्या करेगा, ज़्यादा समय इसके पास नहीं है, क्योंकि इसको फटाफट रिकवरी करना है, फटाफट रिकवरी करना है। सबको पता है, बड़े बड़े ट्रेडर्स को सबको पता है कि बाजार आज ऊपर जाने वाला है, क्योंकि सिनेरियो वही बन गया है, बाजार ऊपर जाने वाला है। तो सबके पास बहुत ही कम टाइम है, सब चाहते हैं कि मैं कब खरीदूँ, कब खरीदूँ, कब खरीदूँ, क्योंकि बाजार अब इससे नीचे जाएगा नहीं। इस दिन जो है वो सपोर्ट इतना स्ट्रांग होता है, और सपोर्ट ऑप्शन चेन में स्ट्रांग तो होता ही है, लेकिन ये कभी वीक ही नहीं होता है। मतलब जिस लाइन पर एक बार ये सपोर्ट बन गया उससे ये नीचे कभी जाता ही नहीं है,
इससे नीचे ऑप्शन चेन में ये जाएगा ही नहीं है, पूरे दिन भर स्ट्रांग ही बना रहेगा। और रेजिस्टेंस जो है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, रेजिस्टेंस में क्या होगा, अब क्या होगा रेजिस्टेंस में, यहाँ पर होगा कि भाई साहब पहले सुबह ही आपको पता चलेगा, 9:15 बजे तक, 9:15 या फिर 9:20 तक पता चलेगा। ये जिस स्ट्राइक प्राइस में WTT होगा ना, विक टू स्टॉप होगा, जिस स्ट्राइक प्राइस पे, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा था शायद 48,000 पे, ये एक्चुअली ये चार्ट है निफ्टी का, ये निफ्टी बैंक निफ्टी का एक जैसा ही बिहेव करता है। और मैंने बैंक निफ्टी में देख रहा था तो 48,000 पे क्या है, 48,000 पर तक वीक था मार्केट अगले दिन, यानी कि 19 तारीख की बात नहीं कर रहा हूँ, 19/4/24 की, जहाँ पर रिकवरी आई, बाजार 700-800 पॉइंट ऊपर चला गया था बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी अच्छा खासा चला गया था, तकरीबन 400, हाँ 400 या 300 पॉइंट। ओके, तो ये था यहाँ पर 48,000 पर क्या है, WTT था, मतलब वीक टू स्टॉप था सुबह में ही। और 48,000 का कॉल मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इसमें ऐसी हलचल थी कि कॉल की कीमत गिर रही है, कॉल की कीमत गिर रही है, रेड में ही है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है, ओपन इंटरेस्ट में जो कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है, जो खरीद, मतलब कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट नहीं, जो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है, जो लोग खरीद रहे थे ना, वो खरीदने वालों की संख्या थी ज़्यादा और बेचने वालों की थी कम, और ऑप्शन की जो प्रीमियम जो है वो गिर रहा था। कंडीशन क्या थी, प्राइस गिर रही है, प्राइस गिर रही है, ये इस वक्त का सिनेरियो मैं बता रहा हूँ, प्राइस गिर रही है। दूसरी कंडीशन थी कि डिमांड बढ़ रही है, प्राइस गिर रही है, डिमांड बढ़ रही है, देखो कितना विचित्र सिनेरियो है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस गिर रही है, और क्या था, बाजार एक रेंज बाउंड एरिया से गुजर रहा है, ये वाला एरिया से, मतलब बाजार में कोई तेजी नहीं है, लेकिन प्राइस गिर रही है, डिमांड बढ़ रही है, और जो बिकवाली है वो बिकवाली कम हो रही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा भाई साहब क्या सीन है, मैं आपको उस कॉल में बताऊंगा अभी जाके। तो ये है दूसरे दिन का सिनेरियो, दूसरे दिन के सिनेरियो में बाजार जितना ऊपर से, मतलब पहले दिन की तरह गिरा था, उतना दिन उतना गिरना चाहिए। अब यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं होता है भाई साहब, 19 तारीख आ गई, देखिए ये 10:30 बज गया ना, 10:30 से पहले ही बाजार में जल्दी जल्दी होता है, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, उनको पता लगता है कि भाई क्या होने वाला है आज बाजार में, आज बाजार में क्या होने वाला है, ये सब उनको पता लगता है, बाजार ऊपर जाने वाला है, रिकवरी कर आने वाली है बाजार में। फिर बाजार में रिकवरी जब आती है ना, तो फिर दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, वो रिकवरी आकर ही रहेगी। हालांकि इस दिन भी इसराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था, है ना, इस दिन भी चल रहा था, और इस दिन भी चल रहा था, 18 तारीख को जब चल रहा, तो 19 को कैसे खत्म होगा एक ही दिन में, है ना, 19 को भी चल रहा था, लेकिन बाजार को रिकवरी आनी थी ना भाई। बाजार जो चलता है साहब, वो चलता है डेटा के ऊपर, डेटा, बाजार में एक तराजू है, ऐसे तराजू है, तराजू के दो पार्ट है, ऐसा नहीं है कि बाजार गिरता जाएगा तो ये जो गिरने वाली साइड है, ये जो गिरने वाली साइड है, ये टूट के भाग जाएगी बाहर, ये टूट जाएगी तराजू से, ऐसा थोड़ी है, ये इसी में तो रहेगी, ये एक लेवल तक गिरेगी, उसके बाद फिर वापस से ये इसी इसी के बराबर आ जाएगी, इससे ऊपर चली जाएगी, ऐसे है बाजार में। कॉल और कॉल साइड और पुट साइड एक तराजू की तरह है, अगर बाजार गिरता रहेगा तो पुट साइड टूट के भागेगी नहीं, अलग नहीं होगी, तराजू का एक हिस्सा नहीं, दो हिस्से नहीं होंगे, या फिर बाजार ऊपर जा रहा है तो कॉल साइड टूटेगी नहीं, ओपन इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग वो रहेंगे वहीं राइटिंग करने वाले, सिर्फ डेटा ऊपर नीचे होता है, किसी दिन फिर वो बैलेंस में आ जाता है, किसी दिन वो ऊपर चला जाता है, किसी दिन डाउन चला जाता है, फिर एक दिन बैलेंस में आता है। तो ये क्या है कि डेटा बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था, बिकवाली बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उस दिन रिकवरी आना तय था, ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है ये मतलब किसी इंसान के हाथ में नहीं है, ये अपने आप लोगों को बोलती है कि हाँ अब ये बॉटम बन गया है, यहाँ पे खरीदो, बताता है डेटा ऐसे, कोई किसी के खरीदने की, हालांकि हमारी भी नहीं खरीदने की इच्छा थी कल कॉल साइड में, हमको पता था कि बाजार गिरने वाला है, तो गिरने वाला है तो कौन खरीदेगा, मतलब ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन जिसने इस सिनेरियो को समझा वो समझेगा कि नहीं, ये एक बहुत मतलब अंतरिम लेवल तक पहुंच गया है, अब यहाँ से कम आज तक के लिए तो रिकवरी आएगी आएगी, ठीक है। तो वो ज़्यादा समय उनके पास नहीं रहता है, जब पता लगने के बाद उनको, तो वो जल्दी जल्दी अपने पोजीशंस डालते हैं। तो ये जो अब चलते हैं उस कॉल के ऊपर, ये आगे ना, अब इस कॉल के ऊपर आ गए, अब ज़्यादा लोगों के पास समय नहीं है, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बॉटम बन गया है,
मैंने बताया ना, स्टार्टिंग में ही बॉटम बन गया है 10 बजे से पहले, यहाँ पर भी 10 बज गया, और 10 बजे से पहले ही ये 48,000 का कॉल है। 48,000 का कॉल है, अगर आप देखेंगे इसमें आपको दिखेगा 48,000 का कॉल है, यहाँ पर भी ये लिखा है 48,000 का कॉल है, ठीक है। 24 तारीख का एक्सपायरी का है ये, 24/4 का, 24/4 की एक्सपायरी का, 24/4/24 की एक्सपायरी का है। लेकिन बाजार, ये जो बाजार है ये है 19 तारीख का। वही सिनेरियो हुआ था, बाजार पहले दिन 200 पॉइंट ऊपर गया। मैं निफ्टी के बारे में बात कर रहा था, वो जो चार्ट बता रहा था, आप इसको बैंक निफ्टी समझ सकते हैं। और फिर 200 पॉइंट ऊपर गया, फिर रेंज बाउंड गया, फिर 200 पॉइंट नीचे आया, ओके, 200 पॉइंट नीचे आया, फिर 200 पॉइंट नीचे आया उसी दिन, अगले दिन फिर 200 पॉइंट नीचे आया, और यहाँ पर 10 बजे के आसपास उसने बनाया बॉटम। देखिए ये 200 पॉइंट नीचे आया, ये गैप डाउन ओपन हुआ ना, ओके, यहाँ पर बॉटम बनाया। अब बड़े ट्रेडर को पता लग गया कि अब ज़्यादा समय नहीं है, खरीदो, वो लोग खरीद देते। अभी इस कॉल में हो क्या रहा था, ये है सपोर्ट और ये है, ये सपोर्ट मैंने खींचा यहाँ पर, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अब क्या है कि भाई पहले दिन में बाजार गिरा, ये पहले दिन का सिनेरियो है। अब अगले दिन क्या होगा, बाजार जहाँ पर ओपन होगा ना, ये सपोर्ट पे ओपन होगा, यानी जहाँ पर ओपन होगा मान लो वहीं सपोर्ट है, तो ये दिन ये स्ट्रांग रहेगा। अपने अपने ऑप्शन चेन में देखेंगे आप, सपोर्ट स्ट्रांग रहेगा, वो हिलेगा नहीं। अब ऑप्शन चेन का मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि ऑप्शन चेन देखने की दिखाने की कोशिश करता हूँ, ऑप्शन चेन नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये डेटा हट जाएगा फिर ना। तो वो क्या है, हिलेगा नहीं, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग रहेगा। और बाजार जब ऊपर जाएगा, ऑप्शन चेन में मतलब इस तरह से होता है, बाजार ऊपर नीचे की साइड में जो है ऊपर की साइड होती है उसकी, तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 48,000 की स्ट्राइक प्राइस थी, यही जो आप चार्ट देख रहे हैं, 48,000 की स्ट्राइक प्राइस थी। इसका जो ओपन इंटरेस्ट है ये शायद इस तरह से बढ़ रहा था, इस तरह से बढ़ रहा था कि बाजार नीचे चला गया है, बाजार नीचे चला गया, गैप डाउन से ओपन हुआ है, अब इसे रिकवरी करना है। तो रिकवरी करने के लिए आपको ऑप्शन चेन में ये देखना होगा कि भाई 48,000 तक बाजार WTT है, WTT है, मतलब कोई ना कोई ऐसे संकेत आपको दिखेंगे सुबह सुबह के टाइम पे कि हाँ बाजार 48,000 आएगा तो नहीं कहीं। हालांकि ये 46,600 था क्या, 46,600 या 700 ऐसे कुछ था भाई, यहाँ पर WTT दिखा रहा है 48,000, कॉल साइड में 48,000 WTT दिखा रहा है, मतलब ये क्या है, येलो कलर का बॉक्स यहाँ पर इसने क्रिएट किया है, वॉल्यूम में भी और ओपन इंटरेस्ट में भी, यानी कि ये यहाँ पर कुछ हलचल करने वाला है, ठीक है, 48,000 में ऑप्शन चेन में कुछ हलचल करने वाला है। तो ये 48,000 का कॉल है, ये तो कॉल भी तो 48,000 का है, तो भाई ये फोकस में रहेगा। इसने बनाया 30 रुपीज़, 36 रुपीज़ के आसपास का लो, ये इसका लो है। अब इस लो में क्या हो रहा था, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इस लो में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी कि इसकी कीमत गिर रही थी, बढ़ नहीं रही थी, गिर तो खैर नहीं रही थी, लेकिन बढ़ ही नहीं रही थी। आप देखिए ना यहाँ पर, यहाँ पर भी अगर आप आएंगे तो कितनी बढ़ी इसकी कीमत, 76 हो गई थी, तो बस ये 50, 60, 65 ऐसे में ही ये समय बिता रहा था, तकरीबन 11:30 बजे तक के आसपास तक, 1 घंटे तक इसकी कीमत है ना बढ़ नहीं रही थी या फिर कम हो रही थी, है ना, ये प्राइस गेटिंग डाउन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। और दूसरी चीज़ है कि इसकी खरीदारी है ना बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, इसकी बाइंग बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा बाइंग बढ़ रही थी। मैंने ऐसे, मेरे एक शॉर्ट वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि एक साइड में बाइंग बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बाइंग बढ़ रही है, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रही है उस चीज़ की, इसका मतलब वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा बाद में। बाद में देखिए आप, ये 3,260 के आसपास गया था, 260 से भी ऊपर गया था ये। अब देखिए 36 कहाँ और 260 कहाँ, कोई एक्सपायरी भी नहीं है, कोई एक्सपायरी डे भी नहीं है, 19 तारीख है भाई साहब, 18 तारीख को बैंक निफ्टी की 16 तारीख की एक्सपायरी हो गई, और उसके अगले दिन का ही है, मतलब ये पहले हफ्ते का पहला ही दिन है, ये एक्सपायरी के हफ्ते का पहला ही दिन है, अब बताओ। तो ये है, प्राइस उसकी गिर रही थी, खरीदारी उसकी बढ़ रही थी, और बिकवाली कम हो रही थी। भाई बिकवाली कम होने से प्राइस गिर रही है ये मानते हैं, लेकिन फिर खरीदारी हो रही है तो प्राइस बढ़ना चाहिए ना। लेकिन वो हो क्या रहा था, ये बेचने वाले और ये खरीदने वाले, इनके सौदे आपस में प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस जीरो नहीं होता है, प्लस माइनस
मतलब जीरो मतलब प्लस प्लस वन, और इधर है माइनस वन, तो इन इनका कितना वैल्यू आएगा? जीरो ही आएगा ना, ऐसे ही है ना। तो ऐसे ही हो रहा था ये, मतलब सौदे एक दूसरे को काट रहे थे, इंटरसेप्ट कर रहे थे, जैसे कि इसराइल, जैसे कि ईरान फेंक रहा है बम, और इसराइल का जो कौन सा सिस्टम है वो डिफेंस सिस्टम, वो उसको काट रहा है, उसको नकारा कर रहा है उस हमले को। तो ऐसे ही हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और खरीदार उस सौदे को खरीद के उसको न्यूट्रल कर दे रहे हैं। तो इसलिए इस खरीदारों की संख्या बढ़ रही थी, और बिकवालों की संख्या तो खैर कम थी ही, और उधर से कीमत भी गिर रही थी, कीमत गिर रही थी, खरीदारी बढ़ रही थी, और प्राइस उसी रेंज में चल रही थी। ये सिनेरियो था, और मैंने देखा, पहले भी मैंने देखा इस चीज़ों को, लेकिन आज मैंने रियलाइज़ किया और नोट कर लिया। अब ये सिनेरियो दोबारा आएगा तो मैं प्रॉफिट नहीं छोड़ूंगा अपना। उसके बाद फिर ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शन चेन में जो सुबह यहाँ पर WTT था, उसमें लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा था। अब देखिए वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट की कहानी मैं बता देता हूँ। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, वॉल्यूम नहीं, सॉरी, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, इसका मतलब बाजार ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ने के साथ में और भी एक चीज़ होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये डैम है, यहाँ इसमें पानी है पहले से ही, और ये यहाँ से कहीं से नदी आ रही है, नदी आ रही है, इसमें पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, पानी भर रहा है। अब पानी भर रहा है मतलब क्या है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, हमको डैम को तोड़ना है, मतलब एक प्रोसेस नेचुरल अभी होने वाली है, यहाँ पर डैम टूटेगा, पानी ज़्यादा बढ़ेगा नदी से और डैम टूटेगा। तो डैम टूटने के लिए ये तो पानी भर रहा है, इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट है। अब एकदम पानी बढ़ेगा तो डैम थोड़ी टूटेगा, दीवारें भी तो है उसकी, दीवारों को तोड़ना पड़ेगा ना। अब पानी तो इसमें बढ़ रहा है, अभी कैसे तोड़ेगा, नहीं तोड़ पाएगा ना, इसके अंदर ताकत आनी चाहिए, वो ताकत है वॉल्यूम, वो ताकत है वॉल्यूम। एक साथ ताकत आ जाएगी, एक साथ वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये जो पानी है, पानी का बहाव, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी धीरे 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 धीरे, तो वो आप वॉल्यूम में नाप सकते हैं उसे। वॉल्यूम एकदम से बढ़ गया मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी फटने वाली है, एनर्जी उसकी बढ़ रही थी ना, पानी जो है वो आ रहा था, इसमें फिजिक्स भी लगता है स्टॉक मार्केट में, पानी आ रहा था डैम में, पानी भर रहा था, इसका जो अपने आप में जो वेट बढ़ रहा था, तो वेट बढ़ेगा भाई, किसी बंद डब्बे में पानी है उसका वेट बढ़ रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जाहिर सी बात है बढ़ेगी, ठीक है। अब उसको काइनेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा, तो इस वॉल्यूम में, इस ओपन इंटरेस्ट में, इस पानी में ताकत लगानी पड़ेगी, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के साथ वो दीवार को तोड़ेगा और पानी एकदम से बाहर आएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर खरीदारी चल रही थी, यहाँ पर प्राइस गिर रही थी, और ये जो प्राइस बढ़ रही थी मतलब पानी डैम में बढ़ रहा था, अब वो एक लेवल तक आएगा और उसके बाद वो टूटने वाला है। तो वो टूटा कब, 12 बजे के आसपास, डैम टूटा कब, 12 बजे के आसपास, और 12 बजे के आसपास जैसे ही यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में वॉल्यूम ऐड हो गया, इसमें ओपन इंटरेस्ट में जैसे ही वॉल्यूम ऐड हो गया, वो जो स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था 48,000 के, अब उसमें वॉल्यूम भी आ गया, अब लोगों को पता चल गया कि यहाँ से बाजार ऊपर जाने वाला है, तो वॉल्यूम आ गया, तो ये लोग तो बहुत ही कम हो रहे, बहुत ही माइनस हो गए, निगेटिव हो गए बेचने वाले, खरीदार फिर बढ़ते गए। अब भाई खरीदार ज़्यादा बढ़ेंगे तो अब ये फार्मूला ख़त्म हो गया, इंटरसेप्ट करने वाला फार्मूला ख़त्म हो गया, अब प्राइस तो बढ़ने लगी ना वापस से, अब प्राइस बढ़ने लगेगी, और यही हुआ इसमें। यहाँ पर 36 से फिर प्राइस आ गई, यहाँ पर 100 आ गई, 100 आ गई, 100 के बाद फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते गई, तो ये देखिए तकरीबन 300 के आसपास प्राइस चली गई है, कहाँ था ये 36 रुपये, और कहाँ चला गया 310 गुना, है ना। तो ये एक सिनेरियो होता है, सिनेरियो में मोटे मोटे तौर पर फिर से मैं एक बार लास्ट में आपको बता देता हूँ कि सिनेरियो में हुआ क्या। पहले दिन बाजार ऊपर जाना चाहिए, 2 दिन का ये सिनेरियो है, ओके, ये सेकंड डे का चार्ट है, ये सेकंड डे का, 2 दिन का सिनेरियो। फर्स्ट डे में क्या होना चाहिए, फर्स्ट डे में होना चाहिए बाजार ऊपर जाना चाहिए, जितना भी ऊपर जाए, फॉर एग्जांपल 200 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, जाए फिर एक रेंज बाउंड प्रोसेस आएगी और वहाँ से गिरावट आएगी, उतना ही जितना ये गया था उतना आ जाएगा, फिर ये क्या होगा, अपने लेवल पे आ जाएगा, उसके बाद उसी दिन ये गिरेगा, जितना ऊपर गया था, जितना नीचे आया था, फिर ये उतना माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और फिर माइनस हो गया, ये हो गया फर्स्ट डे ख़त्म यहाँ पर। अब सेकंड डे में क्या होना चाहिए, सेकंड डे में जैसे बाजार ओपन हुआ, सपोर्ट स्ट्रांग,
सपोर्ट बिल्कुल स्ट्रांग, और रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस WTT रेजिस्टेंस होना चाहिए WTT, और जिस स्ट्राइक प्राइस तक WTT दिखा रहा है सुबह, उस स्ट्राइक प्राइस की कॉल के ऊपर आप फोकस करेंगे, मैं फोकस करूँगा, उसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा और बहुत कम समय देगा वो, तकरीबन 10 बजे के अंदर ही वो आपको दिखा देगा कि यहाँ से रिकवरी आने वाली है और वहाँ का ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है ओपन इंटरेस्ट किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे लेंगे, उसका ओपन इंटरेस्ट भी तो बढ़ना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए और बहुत जल्दी वो प्राइस वहाँ तक आने की कोशिश करेगी। आएगी नहीं वो बात अलग है, लेकिन कोशिश करेगी, जब वो कोशिश करेगी तो उसकी जितनी भी एक न्यूनतम प्राइस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी, ठीक है, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी। तो ये सिनेरियो है, दूसरे दिन भी ये सबसे पहले सेकंड डे में भी ये क्या होना चाहिए, उतना ही नीचे गिरेगा जितना ये पहले दिन गिरा था, ठीक है, उतना गिरने के बाद ये बॉटम बनाएगा यहाँ पर और यहाँ से फिर आपको रिकवरी दे देगा, फिर अगले दिन भले ही गिर जाए लेकिन वो उस दिन के लिए रिकवरी दे देगा। और ये नज़र के सामने है, 19 तारीख का चार्ट है, 36 रुपये की प्राइस तकरीबन 300 270 80 के आसपास चली गई थी। तो ये है, तो ये एक सिनेरियो है, मैं अभी लास्ट में आपको दिखा देता हूँ क्या ऑप्शन चेन। अब देखिए ये है 19 तारीख का ऑप्शन चेन है, यहाँ पर देखिए 21,800 पर सपोर्ट स्ट्रांग हो गया था, ठीक है, हालांकि इससे पहले स्ट्रांग नहीं था, ये जब स्ट्रांग होता है तब से तब के बाद की बात है, स्ट्रांग हो गया था तकरीबन 10 सवा 10 बजे के आसपास और स्ट्रांग उससे पहले ही हो गया होगा, और उसके बाद ये देखिए वीक टूवर्स स्टॉप हो गया है 22,300 पे। तो इसका जो ओपन इंटरेस्ट है ना, ये ओपन इंटरेस्ट है, ये बढ़ रहा होगा, ये ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, ये देखिए 44% बढ़ रहा है ना, 44% 48% यहाँ पर देखिए, और 22,000 में तो ये रेजिस्टेंस है, तो इसका ओपन इंटरेस्ट होगा ही भाई साहब 100%, ये तो छोड़िए, ये तो नीचे की साइड है, लेकिन यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक कुछ हलचल होगी, इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ से बाजार ऊपर आने की कोशिश करेगा, यहाँ से बाजार ऊपर आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि जो पहले वाले दिन फर्स्ट डे के दिन जो सिनेरियो था, कंडीशन मिल गई थी, ऊपर गया फिर रेंज बाउंड हुआ फिर नीचे आया फिर नीचे आया, अगले दिन फिर अगले सेकंड डे में फिर बाजार ये अगले दिन फिर नीचे आया है ना, पहले ये ऊपर गया फिर रेंज बाउंड हुआ फिर नीचे आया, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। और ये ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, मतलब ये ओपनिंग आप इसे कह सकते हैं, ओपनिंग से ऊपर गया रेंज बाउंड हुआ नीचे आया फिर नीचे आया, और नेक्स्ट डे में क्या हुआ, सेकंड डे में क्या हुआ, जहाँ से ये क्लोज हुआ था, यहाँ यहाँ भी क्लोज हुआ था ना, अब ये सेकंड डे आप इसे कह सकते हैं, अब जहाँ से ये क्लोज हुआ था, अब ये इसका ओपनिंग प्राइस हो गया, अब इससे भी ये गैप गैप डाउन होकर नीचे आ गया, उतना ही पॉइंट नहीं है, नीचे आ गया और नीचे आ गया, और यहाँ से अब ये रिकवरी की कोशिश करेगा, यही सिनेरियो है। और ये जो दिन है यहाँ पर देखिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और ये आगे जाके और भी बढ़ रहा होगा, तो ये बताता है कि यहाँ पर फोकस करो, बाजार यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, ओके, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। और इसमें एक और चीज़ है, अगर आप ऑप्शन चेन में वॉच करते हैं, ऑप्शन चेन अगर आप हमेशा देखते हैं तो ऑप्शन चेन में भी देखना चाहिए, बाजार अगर देखा जाए ना तो अपने एक सपोर्ट के पास भी था, 21,691 एक इसका सपोर्ट है, तो मुझे लगता है शायद 21,681 तक गया था बाजार, आई थिंक शायद गया था मेरे हिसाब से, मतलब सपोर्ट के पास था ये अपने, तो सपोर्ट के पास होने के बाद ऑप्शन चेन ये बताती है, ऑप्शन चेन मतलब रियल टाइम डेटा, आपको कहीं से ही लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन, उसका फ्री में नहीं मिलता है, रियल टाइम डेटा फ्री में NSE की वेबसाइट पे मिलता है, लेकिन वो लेट अपडेट होता है, आपको मिनट टू मिनट अपडेट करना है तो आपको किसी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, मेरे पास है निफ्टी इसका ऑप्शन क्या बोलते हैं इन्वेस्टिंग डायरी का, तो यहाँ पर 21,691 सपोर्ट बता रहा था। एक तीसरी कंडीशन आप ये भी मैच कर सकते हैं कि भाई मार्केट एक सपोर्ट के आसपास हो, चाहे वीकली हो या फिर डेली हो, है ना, ये डेली तो 21,800 का दिखा रहा था लेकिन वीकली सपोर्ट के पास में था ये, तो वीकली सपोर्ट के पास में था तो भाई वहाँ से वही बात बात वही आती है, तराजू के दो हिस्से, अब ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है,
या फिर आप इसे कह सकते हैं ये एक कॉल है, ये पुट है ना, कॉल है पुट है। तो भाई पुट बहुत ज़्यादा, कॉल बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था, कॉल बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था। अब ये तराजू को वापस से ऊपर आके ये इसके लेवल में लाने की कोशिश करेगा, ये दूसरे वाले तराजू के, है ना। यही होता है बाजार में, बैलेंसिंग चलता है। एक चीज़ नीचे चली गई, कुछ दिन के बाद वो ऊपर आ जाएगी, जो ऊपर है वो थोड़ी सी नीचे चली जाएगी, या फिर और नीचे चली जाएगी, जो चीज़ नीचे थी वो ऊपर आ जाएगी, कभी दोनों बराबर होंगे, कभी ऊपर नीचे, ये चलता रहता है। तराजू के दो हिस्से हैं, कॉल और पुट, खरीदार और बिकवाल, तो ये आपस में तालमेल करके मिलते हैं, नेचुरल प्रोसेस है ये। तो ये अपने एक वीकली सपोर्ट के पास भी था, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और भी कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, मैंने ये नोट किया था कि एलटीपी कैलकुलेटर में मैंने देखा कि अपने वीकली सपोर्ट पर है। उसके बाद ये है कि सपोर्ट स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे मैंने शर्ट बताई थी, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग होना चाहिए, कभी तो स्ट्रांग बने, है ना। एक बार जब ये स्ट्रांग बने तो फिर उसके बाद ये अपना नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं, वीक नहीं होना चाहिए। और दूसरा है रेजिस्टेंस, बाद में रेजिस्टेंस साइड में कन्फ्यूजन होना चाहिए, ये जो रेजिस्टेंस साइड है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होना चाहिए। अभी ये अपने आप को तय नहीं कर पा रहा है ना, यहाँ पर बता तो रहा है ये रेजिस्टेंस, लेकिन थोड़ी रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस बता रहा है लेकिन थोड़ी रेजिस्टेंस है, 22,000 नहीं है रेजिस्टेंस, क्योंकि 21,800 यहाँ पर सपोर्ट बता रहा है। वीडियो लंबी होगी, लेकिन क्या है कि 22,147 है ना, 22,000, ये 100 और ये 47, यहाँ तक आया था बार के बाजार, यहाँ तक आया था लास्ट में बाजार, ठीक है, जब बाजार क्लोज हुआ था तो शायद यहाँ तक क्लोज हुआ, इस पे क्लोज हुआ, तो ये रेजिस्टेंस बाद में क्या हुआ, वीक हुआ था ये, मतलब अपने आप को कभी इधर दिखा रहा था, कभी इधर दिखा रहा था, ये कन्फ्यूजन में था और ये स्ट्रांग बना हुआ था। तो भाई ऊपर जाएगा ही, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ भी रहा था अपनी स्ट्राइक प्राइस पे, तो ये यहाँ पर भी 100% ओपन इंटरेस्ट। ये भी देखिए, ये चीज़ भी एक समझने वाली है, ये 100% का मतलब ये है कि बाजार जब यहाँ पर आएगा ना, 22,000 पर आएगा, तो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं भाई साहब, ओपन इंटरेस्ट वाले यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, यहाँ से और बाजार ऊपर लेके जाएंगे, ये कहना है इनका, ये इनका कहना है कि हम 22,000 पर एक बार आने तो दो बाजार को, यहाँ से एक बार यहाँ पर आने दो, जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर फुल पावर में लोग बैठे हैं, वो बहुत तेज़ी से बाजार को ऊपर लेके जाएंगे। अब 22,000 से बाजार कहाँ ऊपर चला गया, 22,000 से 100 पॉइंट और ऊपर चला गया, 150 पॉइंट और ऊपर चला गया, मतलब यहाँ तक तो ऊपर आ गया इन लोगों के कारण, ये चीज़ें होती है। अब देखिए इसमें और एक कंडीशन है, सपोर्ट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ से, बॉटम से टॉप में, सपोर्ट शिफ्टेड वीक टूवर्स, ये जो वीक टूवर्स टॉप है ना, ये अलग चीज़ है ये अलग चीज़ है, ये WTT जो है ये बाद में WTB भी हो सकता है, लेकिन ये 100% ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है, 100% ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये है कि बाजार में जो सपोर्ट है 21,800 का, ये 22,000 में शिफ्ट होने वाला है भाई साहब। सबसे बड़ी पॉइंट, सबसे बड़ी बड़ी जो बात है यही है, यहाँ पर ये शिफ्ट होने वाला है। अब देखिए मैं आपको आगे बता देता हूँ, 3:15 बहुत है, ये देखिए, ये 21,800 में सपोर्ट था, 21,800 में सपोर्ट था यहाँ पर, और ये अब वीक टूवर्ड स्टॉप हो गया, कहाँ पर, 22,000 पे, यहीं पर हुआ ना, यहीं पर ये 100% हुआ था ना, और आएगा यहीं पर, ये वॉल्यूम भी यहीं पर आएगा, ये 100% यहाँ पर आएगा, और ये लास्ट लास्ट में ये आया आया भी होगा इससे पहले, ये 3:15 का डेटा है, 3:15 मतलब बाजार तो क्लोज ही हो रहा था, रैली तो उससे पहले ही आई थी, तो इससे पहले ही आया होगा ये, एक बार देख ले क्या, नहीं भी आया होगा तो विक्टोर्स वहां तक था, तो ये शिफ्टेड, मतलब शिफ्टेड हो ही गया होगा, ये शिफ्ट हो ही गया होगा 21,800 से। हम चलते हैं 12:01 चलते हैं, 1:15 पर। ऐसे में ना वीडियो लंबी हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं है, वीडियो लंबी हो जाए तो। अब देखिए यहाँ पर ये बाजार यहाँ पर चला गया 1:15 पे, और अब ये कमज़ोर हो गया यहाँ से, यहाँ से ये, यहाँ से WTT था ना ये, अब ये पूरा शिफ्ट हो गया यहाँ पर, ओपन इंटरेस्ट 100% शिफ्ट हो गया, पहले से ही शिफ्ट हो गया होगा, ये 1 बजे भी, 1:15 से पहले ही शिफ्ट हो गया होगा। अब ये वॉल्यूम भी यहीं पर आ गया, आएगा अभी इसके बाद आएगा ये वॉल्यूम ना, अभी 1:15 का चार्ट है ना ये, 1:15 का है, तो हम 2 बजे चाहेंगे अभी,
हम जाएंगे 2:15, देखते हैं 2:15 में शायद ये शिफ्ट हो गया होगा। ऑप्शन चेन को रीड करना ना बहुत, ये 2:15, 2:15 में यहाँ से 1 घंटे में ये पूरा ख़त्म हो गया, ये पूरा शिफ्ट हो गया वॉल्यूम यहाँ पर 28,000 पे, 22,000 पे। और यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट था कहीं, यहाँ पर ये सपोर्ट भाग गया, यहाँ पर सपोर्ट यहाँ से भाग गया ऊपर की तरफ, ये कहाँ चला गया सपोर्ट, ये दिखा रहा है विक्टोर्स बॉटम लेकिन ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ओपन इंटरेस्ट 100% बढ़ रहा है 22,500, यानी कि इसे डर है कि भाई यहाँ से 22,500 बाजार यहाँ कहीं नहीं रुकने वाला है, आएगा 22,500 तक जाएगा, इसलिए यहाँ पर 100% जो है अपना ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है 22,500 पे, 100% ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हो गया है, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट करेगा ये 22,500, मतलब आने वाले दिनों में हो सकता है 22,500 से थोड़ा सा बाजार नीचे चला आए, अभी तो 22,150 के आसपास क्लोजिंग दिया है इसने, तो ये भी एक दिखाता है। देखिए यहाँ पर कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट ऊपर है, बाजार तो अभी कहाँ घूम रहा है 22,000 के आसपास ही है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि भाई ये बाजार यहाँ तक आने ही वाला है, कोई बीच में रुकावट नहीं है, ये जो आपको स्ट्रांग दिखा दे रहा है वैल्यूम ये भी अपने आप में स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, ये कहीं पर भी वीक टुवर्ड्स टॉप हो सकता है, क्योंकि ये ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, सपोर्ट सपोर्ट ऊपर प्रेशर किया है, 21,800 था ना, 21,800 से अब ये देखिए 22,000 पे आने वाला है, आया नहीं है, 75% आ गया, ओपन इंटरेस्ट तो कब से आ रखा था, वॉल्यूम 75% आ गया, वॉल्यूम जब 100% आ जाएगा तो यहाँ से बहुत तेजी से पुश करेगा, जो कि आपने देखा 3:15 में दिखाया कि 22,150 147 पर आके बाजार यहाँ पर क्लोज हुआ, यानी कि ये वॉल्यूम भी यहाँ पर शिफ्ट हुआ, मतलब इस सिनेरियो में क्या हुआ, एक और चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए, सपोर्ट्स तो स्ट्रांग हो लेकिन स्ट्रांग होने के बाद में वो WTT रहेगा, WTT रहेगा, जब बाजार ऊपर जाना है बाजार में रिकवरी आनी है तो WTT रहेगा, जब WTT रहेगा तो थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे बाद 12 बजे के आसपास वो क्या है शिफ्टेड होना चाहिए, सपोर्ट शिफ्टेड होना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात मैंने इस वीडियो में बताई है, जो जिसके ऊपर से मैं अपने आप पे पैसे कमाता हूँ, और वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है, शिफ्टेड होना चाहिए। देखिए WTT सपोर्ट, बाद में WT भी हो सकता है, वीक टूवर्स बॉटम हो सकता है, ये बात छोड़ दीजिए आप, इससे कोई मतलब नहीं है बाजार ऊपर नीचे होगा, लेकिन जहाँ पर सपोर्ट है अगर वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है टॉप की तरफ तो बाजार में तेजी आएगी उस दिन, ठीक है भाई, सबसे पहले दिन बाजार गिरा, अगले दिन भी बाजार गिरा, और अगले दिन जब बाजार गिरा उसके कुछ समय के बाद में आपको सपोर्ट शिफ्टेड दिखा रहा है, बॉटम से टॉप में शिफ्टेड दिखा रहा है, और वॉल्यूम कॉल साइड में जो है डेटा भी थोड़ा सा ऊपर जाके रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसे कंडीशन में बाजार तो ऊपर जाएगा है ना, तो ये भी एक चीज़ होना चाहिए, जब सपोर्ट शिफ्ट हो गया तो ये रेजिस्टेंस भी अपने आप में शिफ्टेड ही माना जाएगा, इसमें इसके इसके मान ही नहीं जाएगी रेजिस्टेंस की, भाई ये अपने आप ही पावरफुल है बाजार को ऊपर ले जाने में, तो ये है सिनेरियो में मैंने एक बताने की कोशिश की है, हालांकि मैं एक जब मैं वीडियो बनाऊंगा इसे एडिट करूंगा तो एक स्क्रीनशॉट डालूंगा, स्क्रीनशॉट में क्या है कि मैं वो जो आर्किटेक्चर टाइप का थोड़ा सा करूंगा, आर्किटेक्ट करूंगा उसमें थोड़ा सा डिजाइनिंग करूंगा एक स्लाइड में, कि पहले दिन में क्या होना चाहिए और दूसरे दिन में क्या होना चाहिए, ठीक है, तो बहुत हो गया है, देखिए ज़रूर इस वीडियो को काम आएगा, इस सिनेरियो को ढूंढिए बाजार में, ये महीने में 1.5 महीने में एक बार या फिर 2 महीने में एक बार अब मिलता ही है, ये सिनेरियो है ये, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।